हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone Max Pro M1 के स्पेशली जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M1 जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये इसके स्पेक्स की वजह से जो वो कितना चर्चित है इंडिया के अंदर, तो नॉर्मली इतना कम स्पेक्स में काफी अच्छे अच्छे डील्स के साथ में कम रेट में हमें मोबाइल जो मिल जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे इसकी अच्छाइयां भी है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स भी है। अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसे देखना चाहते हैं, इसके क्या क्या हिडन फीचर्स है उसे देखना चाहते हैं, तो अपने चैनल यानी टेक्निकल पॉइंट पर आप इस फोन के स्पेशल वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी अच्छाई और बुराई दोनों का पता चले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फीचर जो है Asus Zenfone Max Pro के बताने वाला हूं, जो आपने शायद ही कहीं पर देखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देख लेते हैं कौन कौन से वो हिडन फीचर है जो काफी इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसे हिडन फीचर Asus Zenfone Max Pro के बताने वाला हूँ, जो आपने शायद ही किसी वीडियो में देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है एक्चुअल में, जितना मैंने नोटिस किया है प्रैक्टिकली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि नोटिफिकेशंस हमें बहुत सारे आते हैं, जिसके अंदर से कुछ नोटिफिकेशन हमारे काफ़ी यूज़फुल होते हैं और कुछ बेकार से होते हैं। तो यहाँ पर वो सारे नोटिफिकेशंस जो हम चाहते हैं कि जिन्हें हम मिस ना करें, तो और उसे किसी वक्त में हम ओपन करें, तो हम इसमें रिमाइंडर लगा सकते हैं। यानी कोई भी नोटिफिकेशन जैसे हमें आता है तो हमें पता है कि हमें इस नोटिफिकेशन बार में नज़र आता है। तो कोई भी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से या तो फिर किसी भी एप्लीकेशन का वो नोटिफिकेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि उसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पर वो आपको रिमाइंड करे, तो इसके लिए हम यहाँ पर नोटिफिकेशन बार इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्हाट्सएप का कुछ नोटिफिकेशंस मुझे आए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कुछ वक्त के बाद एक बार रिमाइंड हो, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर मैं फिंगर से उसे इस तरीके से स्लाइडली जो है वो साइड में कर रहा हूँ। तो इस तरीके से करना है, एक्चुअल में उसको छोड़ना नहीं है, मैंने फिंगर को टच करके रखा है और थोड़ा सा साइड में रहने के बाद हम देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर उसको मिडल में करके छोड़ देता हूँ, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो दो बटन से नजर आ, अगर मैं उसको इस तरीके से स्वाइप कर देता हूं एंडिंग तक, तो ये बटन जो है ये हाइड हो जाते हैं। तो जो दो बटन यहां पर हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक है रिमाइंडर का और एक नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ करने का, जो सेटिंग में जाकर हम कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं जो है रिमाइंडर पे टैप करता हूँ, जो पहला बटन था, और यहाँ पर जो है यानी वो स्नूज हो जाएगा इस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो चलिए, अगर मैं इसको 15 मिनट सेट कर देता हूँ और उसको इस तरीके से यानी 15 मिनट सेट कर लेने के बाद क्या होगा कि वो 15 मिनट के बाद मुझे जो है वो रिमाइंड करेगा उसी नोटिफिकेशन को देखने के लिए। तो ये एक अच्छा और हिडन फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस मोबाइल में मौजूद होते हैं, और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम कई तरीके की एक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो जैसे कि हम पेटीएम हम एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो पेटीएम जैसे मैं इसको टैप करके रखता हूँ, आमतौर पर हमें पता है कि इसे ओपन करने के बाद हम बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर हम देते हैं, लेकिन अगर इसे हम सिर्फ टैप करके रखेंगे तो वो एक्शन जो हम इसे ओपन करने के बाद देते हैं वो यहीं से शॉर्टकट में हम दे सकते हैं। इनकेस अगर हम चाहते हैं स्कैन पे करना या तो फिर मनी को ऐड करना, तो यहाँ पर हम उसको बहुत ही आसानी से यहीं से एक्शन हम दे सकते हैं। इसे अगर मैं यहाँ से ऐड मनी पर टैप करता हूँ, तो देखिए डायरेक्टली ऐड मनी का सेक्शन जो है ये पेटीएम का ओपन हो गया। तो ये भी एक अच्छा काफ़ी हिडन फीचर है जो कम लोगों को पता है, टैप करने के बाद ही ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो डायरेक्टली हमारा वक्त हम बचा सकते हैं, डायरेक्टली उन ऑप्शंस पर हम जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये हर एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर में, तो देखिए यहां पर इसमें सिर्फ माय ऐप है, यानी यहां पर हम टाइप करेंगे तो माय ऐप्स का जो सेक्शन होता है हमारा प्ले स्टोर का, तो वो ओपन होता है। तो ये हर एक अलग अलग चीज़ है। यूट्यूब को करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, तो ट्रेंडिंग में चल रहे वीडियोस हम देख सकते हैं, हमारे सब्सक्रिप्शंस को देख सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन में आप करके देख लीजिए, उस एप्लीकेशन से रिलेवेंट एक्शंस जो है वो हमें वहाँ पर नज़र आएंगे, और हमारे जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ऑप्शन को शॉर्टकट में यूज़ करके हमारा टाइम बचा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है इसमें ये है कि हम कैलकुलेटर को
फ्लोटिंग कैलकुलेटर बना सकते। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर फिलहाल अभी मेरे पास ओपन है, तो ओपन करने के बाद हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद जो है देखेंगे कि यहाँ पर फ्लोटिंग कैलकुलेटर करके एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इसे ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद जो है हम देखेंगे कि इस तरीके से फ्लोटिंग कैलकुलेटर जो है वो आ चुका है। हम उसे जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम जो है वो हमेशा हमें वो स्क्रीन पर नज़र आएगा और उसे शॉर्टकट में यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम उसे टैप करते हैं तो टैप करने के बाद यहाँ पर जो है ईजीली उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। इससे हम बार बार कैलकुलेटर को ढूंढकर ओपन करने के बजाय इस तरीके से उसे शॉर्टकट में जो है इजीली यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं उसे ऑफ करना तो देन वही सेटिंग को आप ऑफ कर लीजिए, या तो फिर यहां पर सिंपली उसे यहां पर आप क्रॉस के साइन पर ड्रैग कर दीजिए तो ये ऑफ हो जाएगा। हम देखेंगे कि एक्शन जो है वो ऑफ हो चुके हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहीं से। तो ये भी एक अच्छा फीचर, एक हिडन फीचर यहाँ पर इसके अंदर दिया हुआ है। बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो है येलो टिंट का प्रॉब्लम यहाँ पर आया करता था पहले, लेकिन अभी तो काफ़ी वो कम हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों को पता भी लग गया है कि इसके अंदर ही मोबाइल की सेटिंग में ही हमें डिस्प्ले को चेंज करने का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए उसे उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद हमें आना है डिस्प्ले में, उसके बाद एडवांस में, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन कलर दिया है, तो यहाँ पर अगर हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी येलोइश हो जाता है। हो सकता है कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप इसे यूज़ करके देख लीजिए, यह डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड में इसे करते हैं, अगर डिफॉल्ट निकालने के बाद अगर हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो हम देखेंगे कि काफ़ी येलोइश इसका स्किन हो जाता है, और अगर हम इन्हें वार्म की तरफ करने पर और कूल की तरफ करने पर ये काफ़ी इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर ये चेंज अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपके मोबाइल में करके देखिए, क्योंकि फिलहाल अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के एप्लीकेशन में इस तरीके के चेंजेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो आप इसे यूज़ करके देखिए, डेफिनेटली मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मैं कूल पर करके यूज़ करता हूँ, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी तरीके से, डिस्प्ले भी एकदम बहुत ही बेस्ट हमें नजर आता है। तो ये येलो टिंट का जो प्रॉब्लम है ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो है सेटिंग में ही। हम सेटिंग में आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन हम देख सकते हैं, स्मार्ट स्क्रीन ऑन। ये क्या होता है, नॉर्मली इसके ऊपर का जो ऑप्शन स्लिप जो दिया हुआ है, अगर इन केस अगर यहाँ पर हम सेट करते हैं 1 मिनट, तो होगा क्या कि 1 मिनट अगर हम कोई मोबाइल से मोबाइल को कोई एक्शन नहीं देते हैं तो 1 मिनट में ऑटोमेटिकली स्क्रीन हमारा ऑफ हो जाता है। तो ये एक चीज़ होती है स्लिप मोड के अंदर। तो नॉर्मली इसका जो भी टाइम है वो सेट कर लीजिए, मिनिमम मैक्सिमम जितना भी हो, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्क्रीन ऑन करके रखोगे तो इसमें होगा क्या कि जब भी आप स्क्रीन की जब तक कि आप स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे, चाहे आपने कितना भी मिनिमम सेकंड्स आपने यहाँ पर सेट करके रखा हो, लेकिन जब तक कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पर किसी चीज़ को रीड कर रहे हो या कहीं पर भी या कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मोबाइल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ आपको मोबाइल की तरफ देखना है, तो जब तक कि आप स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे तो तब तक कि ये स्क्रीन जो है इसे ऑन कर लेने के बाद जो है स्क्रीन हमारा जो है वो ऑन ही रहेगा जब तक कि हम इसे नज़र नहीं हटाएंगे। नज़र हटाने के बाद अगर हम इसे 1 मिनट तक ही यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अगर 1 मिनट सेट किया है तो 1 मिनट यूज़ ना करने पर जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन स्मार्ट स्क्रीन ऑन करने पर जब तक कि आप स्क्रीन को देखते रहोगे जब तक कि जो है यहाँ पर ये स्क्रीन जो है वो ऑन ही रहेगा। तो ये काफ़ी बेस्ट फीचर जो है, बहुत ही अच्छा फीचर जो है मुझे लगा है, तो आप भी इसे यूज़ करके देखिए। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर है वो है नाइट मोड का। दोस्तों यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन तो हमें पता ही होता है। नाइट मोड ऑन करने के बाद ये डिस्प्ले के अंदर ही है, मैं सेटिंग के अंदर ही आपको डिस्प्ले में बता रहा हूँ। तो नॉर्मली यहाँ पर होता क्या है कि स्टेटस मैंने जैसे इसका ऑन किया तो इसका स्क्रीन जो है ये थोड़ा सा जो है वो डल हो गया, जिसकी वजह से आंखों को तकलीफ नहीं होती है। अगर ये स्क्रीन चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसे भी आप आपके मोबाइल में करके देखिए, क्योंकि एक्चुअल में जो स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, तो नॉर्मली इसमें होता क्या है कि जो स्क्रीन के चेंजेस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते। तो अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो आप इसे प्लीज़ आप इसे आपके मोबाइल में करके देखिए, तो डेफिनेटली चेंजेस आपको नज़र आएंगे। तो ये मैं ये बता रहा था कि इसको आप शेड्यूल कर सकते हो। नाइट मोड का फीचर तो कोई नया नहीं है, लेकिन इसे आप शेड्यूल कर सकते हो, यानी आप आपके अकॉर्डिंग आपको कब इसको ऑन करना है कब इसे ऑफ करना है ये ऑटोमेटिकली इसे आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर
ऐसा हम शेड्यूल करते हैं, तो शेड्यूल हम देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर नन लिखा हुआ है, इसको मैं चलिए ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम शेड्यूल की तरफ आते हैं। शेड्यूल के अंदर यहाँ पर तीन ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं, या तो नन है पहला, उसके बाद टर्न्स ऑन एट कस्टम टाइम, यानी आपके टाइमिंग यहाँ पर आपका खुद का एक कोई भी स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग जो है वो आप सेट कर सकते हो, या तो फिर अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करते हो टर्न्स ऑन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही जो सूरज है हमारा वो डूबता है यानी अंधेरा शुरू होता है तो आपका स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली नाइट मोड पर आ जाएगा, और जैसे ही सूरज निकलने वाला है निकलने के बाद जो है नॉर्मली यहाँ पर आपका जो मोड है वो फ्लाइट मोड सॉरी यहाँ पर आपका नाइट मोड जो है वो ऑफ हो जाएगा, यानी नॉर्मल स्क्रीन हमें नजर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हम शेड्यूल कर सकते हैं कस्टम अपने टाइमिंग के हिसाब से, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है, आप इसे प्रैक्टिकली करके देखिए, यानी हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। जैसे अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है ये हमारा फ्लाइट सॉरी नाइट मोड पर चले जाता है, तो ये काफ़ी बेस्ट फीचर जो है ये Asus ZenFone Max Pro के अंदर मुझे लगा है, इसे भी आप ट्राई करके देखिए। अगला जो ऑप्शन है जिसमें आप आपके आइकॉन का स्टाइल बदल सकते हो, स्टाइल मीन्स उसका जो लुक होता है नॉर्मली, जैसे यहाँ पर फिलहाल जो लुक है ये सर्कल वाला है, अगर हम चाहते हैं कि इसका लुक जो है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पर हम नॉर्मली स्क्रीन पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद होम सेटिंग्स में आना है, उसके बाद चेंज आइकॉन शेप में आना है और यहाँ से कोई भी एक ले लेना, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल स्क्वायर लिया अभी यहाँ पर, तो स्क्वायर लेने पर हम देखेंगे इसका आइकॉन जो है ये स्क्वायर हो गया, मतलब जो है कुछ आइकॉन्स होते हैं जो नहीं बदलते लेकिन मैक्सिमम जो है ये आइकॉन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो टैप करना है, होम सेटिंग में आना है, आइकॉन में आना है, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे जिस तरीके के स्टाइल तो उस तरीके का हमें यहाँ पर लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी लगी है, अपने जो भी हमें लुक अच्छा लगता है बेटर लगता है तो आप कर सकते हैं। अगला और यूजफुल ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है वो है स्क्रीन लॉक का, मींस यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी सोचा कि चलिए इसे ऐड करते हैं, काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ या तो फिर कोई भी काम, जैसे यहाँ पर मैं प्ले स्टोर ऑन करता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि प्ले स्टोर के अलावा कोई एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल किसी को कुछ देर के लिए यूज़ करने के लिए दे रहे हो और अगर आप चाहते हो कि वो एक ही पर्टिकुलर के एप्लीकेशन में काम करे तो उसे आप वो एप्लीकेशन लॉक करके यानी पिन करके दीजिए। जैसे यहाँ पर फिलहाल जो जैसे प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन है तो प्ले स्टोर को अगर हमें पिन करना है तो कैसे करना है, तो नॉर्मली हमें जो है हमारा रिसेंट ऐप का जो बटन होता है नीचे के तीनों बटन में, तो यहाँ पर हम इसे टैप करते हैं, टैप करने के बाद यहाँ पर जो भी फ्रंट पर स्क्रीन होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एप्लीकेशन के राइट बॉटम कॉर्नर पर यहाँ पर हमें जो है पिन का साइन नज़र आ रहा है, कॉर्नर पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसे अगर हम पिन कर देते हैं, ये पिन हो चुका है, यहाँ पर एक्चुअल में हमें बताता भी है कि आपको अनपिन कैसे करना है, तो ये पिन हो जाने के बाद जो है हम देखेंगे कि इससे बैक नहीं जा सकते हम, यानी यहाँ पर इसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी यहाँ पर स्क्रीन जो है वो पिन है, यानी जिस पर्सन को हमने यूज़ करने के लिए दिया है हमारा मोबाइल तो इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो यानी प्ले स्टोर में वो काम कर सकता है लेकिन उसके बाहर इसके अलावा कोई अदर वर्क को हमारे हाथ नहीं लगाएगा। तो नॉर्मली इसे अनपिन करने के लिए हमें जो हमारा बैक का बटन होता है वो और जो हमारा रिसेंट ऐप का बटन है वो दोनों जो है वो एक साथ में प्रेस करना है कुछ इस तरीके से। तो ऐसे हम इसे करते हम देखेंगे कि स्क्रीन अनपिन का एक मैसेज आ गया है, फिर अगर हम बैक आना चाहें तो यहाँ पर हम बैक इसमें आ सकते हैं। तो ये कुछ यूजफुल फीचर्स हैं, कुछ हिडन फीचर्स हैं जो काफ़ी यूजफुल लगे मुझे, तो यूज़ करने के बाद मैंने फील किया कि चलिए ये सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करते हैं तो हम इन सारे फीचर्स को जो है यूज़ करके देखें, इनकेस अगर आपको कहीं पर कुछ दिक्कत आती है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी, अगर आप जो भी मैंने आपको बताया है इससे सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक के टेक्निकल पॉइंट को यानी आपके ही अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।